दुर्ग में एक बार फिर से लोग हुए धोखाधड़ी का शिकार। इस बार काली मोती पिरोने का नहीं, टायर ट्रेडिंग के नाम से बंटी कुमार गर्ग उर्फ सरफराज अहमद ने लोगों को लाखों का चूना लगाकर हुआ फरार, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचे पद्मनापुर थाना। दुर्ग शहर में एक बार फिर से लोग बड़ी धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। सुभाष नगर में रह रहा बंटी कुमार गर्ग उर्फ सरफराज अहमद ने स्थानीय लोगों से टायर ट्रेडिंग का काम बताकर लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपए की हेराफेरी करके फरार हो गया है। यहां तक कि फरार आरोपी द्वारा अपने घर में काम करने वाली बाई और मालिश करने वाली तक को अपना निशाना बनाया और उनसे भी 2-2 लाख रुपए लेकर उड़ गया। इस मामले में पीड़ितों ने बताया कि उसका पूर्व नाम बंटी कुमार गर्ग है और वो धर्म परिवर्तन कर अपना नाम सरफराज अहमद रख कर अलग अलग नाम से दुर्ग सहित अन्य इलाकों में धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया करता था। इन सभी विषयों पर 12 पीड़ितों ने थाना पद्मनापुर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, साथ ही दुर्ग CSP के समक्ष मामला रखा, जिसको लेकर दुर्ग पुलिस भी अब मामले को संज्ञान पर रख पीड़ितों की जानकारियां ले रही है। इस संबंध में पीड़ित व्यक्तियों ने इस तरह की जानकारी मीडिया के समक्ष दी है। मैं मालिश करती थी उसकी मिसेज का, अच्छा दोस्ती हो गया था, बहन जैसे अच्छा पहचान हो गया था। तो ना मेरे बोलते थे, दीदी आप पैदल घूमते झोला पकड़ के 70,000 में दिलाता हूँ गाड़ी। मैं बोली पैसा नहीं भैया, गरीब आदमी नहीं लेती। तो एक दिन जीत का नहीं लगा, ले लो ना 70,000 में, ऐसे करके 70,000 देना पड़ेगा फिर दिलवा दूंगा ऐसे करके। फिर एक दिन उसके साथ हम लोग बेटे के साथ गए TVS शोरूम में गए, वो शायद राजेंद्र पार्क में से मेहनत करते हैं भैया, दिन भर 2-4 घर जाके झाड़ू पार्लर का काम मालिश का काम से 800,000 कमा लेते हैं। हम आदमी भी कमा रहे, भगवान की कृपा अच्छे हैं, कमा रहे खा रहे है ना भाई। केला बाड़ी में हमको लोग पूरा जानते हैं, गलत काम नहीं करते हम। और उसी का वो गाड़ी लिए, मतलब 70,000 उसको दे दिए हैं, लोन फाइनेंस कराए हैं। अभी तक हमको लगा था कि जब वो था सामने था, हमें लगा कि 70,000 पट गया है, अब हमको किस तक, अब लेकिन अब हम समझ आने लगा कि अब वो पैसा वैसा खाक भाग गया है। तो ऐसे लग रहा है कि अब शायद जब शोरूम वाले हमला करें हम पर, हो सकता है वो नहीं पटाया होगा तब आए, अब ये सामने आ रहा करके हम आ जाए हैं, आ रहा है बाहर से, उसके लिए कुछ पैसा दे दे रहो, कल थोड़ा सा ज़्यादा देंगे ऐसे करके। 1 लाख सारा काम करती थी तो मैं को बोले कि जमीन दे दूँ, मेरे पास जमीन है, जमीन दे दूँगा। तो इसकी इसी की वजह से मैंने मेरे बोले क्या करूँगी, आप अटल आवास का फार्म भरी थी मैंने, तो बोले वो घर को क्या क्यों लूँगे, अब मेरे पास ज़मीन है, मैं दे देता हूँ आपको, 2 लाख होगा तो आपके पास मेरे को दे दीजिए पैसा करके। वो क्या है, वो थोड़ी सी जान पहचान तो था ही पहले से, ये अलीगंज में भी आते जाते थे वो, और उसके बाद में वो हमको ये बोले कि मेरा थोड़ा सा ज़मीन का काम रुका हुआ है, तो जो भी अगर आपके पास पैसा है 4-5 लाख रुपया तो आप दे दीजिए। तो हमने बोले कि भैया पैसा तो नहीं है हमारे पास, बोले नहीं देखो होगा तो कहीं से व्यवस्था करो ऐसा वैसा करके। तो हमने इधर उधर से थोड़ा व्यवस्था करे तो बोले 4 लाख का हम तुमको 5 लाख देंगे ऐसे करके, बोले ये मौका मिलेगा नहीं बोले पैसा बार बार, तो आप देख लो जुगाड़ करके अगर होता है तो करके। तो हमारा क्या है, मकान का रजिस्ट्री करने वाले थे तो वो भी नहीं हो पाया, उनको दिए पैसा तो उनका सरफराज नाम अपना बताता था और चेक वगैरह में भी सरफराज करके लिखा रहता था, लेकिन उनका एक और कुछ बंटी उर्फ गर्ग करके अपना नाम बताता था। और जब उनसे हमारी बात होती थी तो बोले भैया आप इतना झूठ झाट क्यों बोलते हो, आप पैसे के लिए घुमा रहे हो बार बार, आज दूंगा कल दूंगा करके। तो बोलते थे नहीं मैं दे दूंगा, मैं तो कहीं जाऊँगा नहीं ऐसा वैसा कर। क्या है, मैं तो ट्रेवल एजेंट हूँ और मेरे पास हमेशा टिकट कटवाते रहता था, कभी फ्लाइट का कभी ट्रेन का, तो वो जान पहचान थी, मुझसे भी वो 25,000 रुपये उधारी लेकर के गया कि मैं 1-2 दिन में दे दूंगा, लेकिन मुझे लौटाया नहीं। और बाद में मुझे पता चला कि वो तो ऐसे कई लोगों का पैसा लेकर के भागा है, करीब 1.5 करोड़ के आसपास, और कुछ हमारे रिश्तेदार भी हमको बाद में पता चला कि वो उन तक भी पहुँच गया जान पहचान का फ़ायदा उठा करके। और वो किसी से 50,000, किसी से 2 लाख, किसी से 30-35 लाख, इस तरीके से जो है अब लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। अभी भी 10-12 लोगों ने मेरे साथ आकर के कंप्लेंट, जो पद्मनापुर चौकी में आए हैं साथ में कंप्लेंट के लिए, तो वो भी अगर देखा जाए तो ये 1.5 करोड़ से ऊपर का मामला है। और वो उस व्यक्ति का नाम सरफराज अहमद उर्फ बंटी उर्फ गर्ग,
उसके आधार कार्ड में नाम वो अपना नाम परिवर्तन करके आया था और मुस्लिम भेष में रह रहा था सुभाष नगर में, और वो अब हम लोग उसको समझ नहीं पाए असली में। तो वो महाठक के रूप में लोगों के साथ रहा और लोगों का विश्वास उसने हासिल किया और उसका पूरा फायदा उठाया। गरीब से गरीब लोगों का भी पैसा, उसके यहाँ जो काम करने वाली बाई थी उससे 2 लाख रुपए ले लिया, उसके यहाँ जो मालिश करने वाली बाई थी उससे 1.5 लाख रुपए ले लिया। ऐसे ऐसे करके वो अपने जिस मकान में रहता था मकान मालिक का भी 1 से 1.5 लाख रुपए ले लिया। मतलब इस तरीके से लोग जुड़ते गए, बताते गए, मुझसे 2 लाख, मुझसे 4 लाख, मुझसे 5 लाख, इस तरीके से अभी। और वो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा उसका ये है कि वो TVS शोरूम में लोगों की गाड़ी फाइनेंस कराने के नाम में लोगों से पैसा ले लेता था, किसी से 70,000, किसी से 80,000, और उन्हें कम उसमें फाइनेंस, भाई 1 लाख 1.25 लाख की गाड़ी को बोल रहा है 70,000 80,000 में तुमको फाइनेंस करके दे दूंगा, और उनसे एडवांस में पैसा किसी 30,000 40,000 ले लेके TVS से साठ गाड करके सेटिंग करके वहाँ उनके नाम से गाड़ी फाइनेंस करा देता था। और नामनी बस जो है वो जिसके नाम से गाड़ी रहती थी वो अपना किस पटा रहा है, बेचारे को पता भी नहीं कि मैंने जितनी राशि दी है वो राशि वहाँ जमा हुई कि नहीं हुई। इस तरीके से कई फर्जीवाड़ा है, 80-90 लोगों का नाम है। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं तो पता चलेगा कि कितने कितने लाख या कितने करोड़ का इसका जो घोटाला है। वहीं इस मामले में दुर्ग SP अभिषेक पल्लव ने भी मीडिया के समक्ष इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। बंटी गर्ग जो व्यक्ति है वो पिछले 6 महीने से लगातार लोगों को लोन दिलाने के नाम पे, गाड़ी दिलाने के नाम पे, जमीन के मेडिटर के रूप में काम करके लगातार ठगी करा करता था। आप सोच सकते हैं जो उसने आधार कार्ड अपने घर में दिया, वो आधार कार्ड में उसका नाम मुसलमान नाम है जबकि उसके फादर का नाम गर्ग हिंदू नाम है। कहीं ना कहीं जो लोग आईडी कार्ड लेते हैं उनको देखना चाहिए कि आईडी कार्ड की सत्यता जो थोड़ा ध्यान से पढ़े तो हम काफी सजग रहे तो हम इस तरह इनको रोक सकते हैं। बंगाल में इनके द्वारा इस तरह का फर्जी आधार कार्ड बनाया गया, वहां भी एजेंसी से बात की जाएगी किस डॉक्यूमेंट के आधार पे फर्जी आधार कार्ड बनाया गया। जनता से मेरा आह्वान है कि ऐसे ठगी के शिकार ना हो, जब भी कोई डाउट हो वो पुलिस को आके संपर्क करें। सस्ते चीजों को, महंगे चीजों को सस्ते दाम में लेने के लालच में लोग जो है फंसते हैं। कोई भी स्कीम यदि बहुत सुहावनी है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ काला होगा। 100 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी करने की बात सामने आई है, अभी तफ्तीश चल रही है, आने वाले समय में और भी खुलासे संभव। गरीब मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर फरार हुए इस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।